भी पैसा वैसा नहीं मिल पहले आप खुद भी स्टंट राइडिंग कर रहे हैं, अब आप व्लॉग वगैरह बना रहे हैं, रैप वगैरह आपने शुरू कर दिया है, क्या कभी आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगे, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा हो, बाइक सीज की हो? जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे था ही नहीं, यहाँ पे इंटरनेट ही नहीं था, एंड उस टाइम पे मैंने पठानकोट जाके व्लॉग्स अपलोड किए अपने, एंड तब काफ़ी छोटा होता था तो स्टंट्स राइडिंग के बारे में पता नहीं था, बट हाँ थोड़ा बहुत रैश कर लेते थे, मेरे पास हेलमेट वेलमेट नहीं होता था उन दिनों में, हम घरवालों से मांग नहीं पाते थे कि हेलमेट लेने हैं, 10,000 के राइडिंग गियर्स लेने हैं, तो बाइक भी एक नॉर्मल सा होता था, तो स्टार्टिंग में तो नहीं था, बट आस्ता आस्ता जैसे हमने स्टार्ट किया एंड हमने अर्न किया तो हमने इन्वेस्ट भी अपने ऊपर ही किया, हेलमेट वगैरह लिया, राइडिंग गियर्स, एंड इस टाइम पर अगर लोग देखते हैं तो मैं पॉजिटिव मैसेज ही देता हूँ, भाई लोग रैश मत करो यार, आराम से चलाओ तो क्या सीख। अगर हम यूट्यूब की बात करें तो बहुत से फॉलोअर्स, सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स आपके होंगे जो लोग आपको फॉलो करते हैं और आपको काफ़ी प्यार भी देते हैं, लेकिन इन लोग, ये लोग जो लगातार जो है रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, इनके लिए क्या कुछ मैसेज? इनके लिए ये कि अगर ऐसे ही करते रहोगे तो यूट्यूब चैनल बैन हो जाएगा, एंड उसके कारण अदर जितने भी मोटो व्लॉगर्स हैं उनके चैनल पर भी इफेक्ट आएगा, बिकॉज वो भी नज़रों में आ रहे हैं, बट पॉजिटिव करोगे तो कमाओगे भी एंड आगे भी सहोगे, तो पॉजिटिव ही करो। बिल्कुल।